Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू ट्रिपल आर एकेडमी चैनल दोस्त, मैं हूं रोशन और आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 वीडियो। फ्रेंड्स, मैं अब तक प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बताया और आज मैं बताया जा रहा हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी प्रेस कर दें ताकि मैं अगला वीडियो लाऊं तो आप तक पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, टाइप फोर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, किसी दो वस्तु के प्रत्येक का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा एक को 20% का लाभ एवं दूसरे को 20% की हानि लेकर बेचा जाए, बताएं कि इस पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है। हाँ, तो यहाँ पे कर लेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिख लेंगे। हाँ, अब इसके बाद कह रहा है प्रत्येक को 800 रुपया यानी 800 प्रत्येक को, इसको और इसको, दो है, दो वस्तु है, इसको भी 800 और इसको भी 800। हाँ, दो वस्तु के प्रत्येक का क्रय मूल्य 800 रुपया है, इसका भी और इसका भी। हाँ, तथा एक को 20% का लाभ यानी इसको 20% का लाभ 800 गुणा 100 में 800 जो है 100% का वैल्यू है, इसमें 20% का लाभ कह रहा है, तो यानी 120 कर लेंगे, 100 में 20 जोड़ लेंगे, 120% के 120/100 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो 20 से 20 खत्म। अब कर लेंगे गुना 12/96 यानी 960, 12/96 यानी 960, एक जीरो लिख लिए 960। अब है आगे, एवं दूसरे को 20% की हानि लेकर बेचा जाए, इस पर 20% की हानि लेकर, तो 800 दूसरे वाले वगैरह यानी दूसरा ये 800, इस पर 20% की हानि गुणा 20% की हानि करेंगे तो 100% का 20% का हानि करेंगे, इस ये 80 जो है 800 जो है 100% है। हाँ, कोई वस्तु अपने आप का 100% होता है यानी 100% होता है, अगर इसमें 20% की हानि, 20% हानि करेंगे 100 में से 20% हानि, तो यानी 80% हो जाएगा, ये 80% बराबर 80/100 कर लेंगे, इसको परसेंट को नीचे 100 कर लेंगे और इसको जो है काट देंगे, 20 से 20 खत्म, और 88/84 यानी 640 गुना करेंगे 8 और 80 में, तो गुना करेंगे 640 होगा। ठीक है, अब कह रहा तो बताएं कि इस पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले जोड़ लेंगे, कितना होगा 1600, ऊपर वाला 1600 यानी क्रय मूल्य था पहले 1600 रुपया क्रय मूल्य था। अब यहाँ पे पहले को 20% का लाभ लिए तो 120/80 गुना 120/100 कर लिए, और दूसरे पे था 20% की हानि तो 80 गुना 80/100 यानी 20% की हानि बोला तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो हो जाएगा 80%। हाँ, अब इसके बाद जो है जो आएगा इसमें इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद और इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा इस दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के उपरांत जो आएगा यह होगा 1600। ठीक है, अब होगा कि विक्रय मूल्य, ये हो गया कितना विक्रय मूल्य जो मेरा वो आ गया 1600, विक्रय मूल्य 1600, पहले क्रय मूल्य था 1600। ठीक है, तो 1600 में वस्तु को खरीदा गया और 1600 में ही वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, तो बोला कि इस पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि इस पूरे सौदे में जो है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यही इसका आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, दो टीवी है, प्रत्येक का क्रय मूल्य 1000 रुपया है एवं एक को 30% का लाभ लेकर तथा दूसरे को 30% की हानि पर बेचा जाए, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या प्राप्त होगा। हाँ, तो पहले क्रय मूल्य कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको
दो 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 टीवी यानी कि एक ही तक कर लेंगे और एक इधर, ठीक, दो टीवी प्रत्येक का क्रय मूल, प्रत्येक का क्रय मूल 1,000 रुपये है, 1,000 इसका भी है और 1,000 इसका भी है, ठीक है। एवं एक को 30% का लाभ लेकर, यानी पहले को मान लेंगे 30% का लाभ ले लेंगे पहले वाले में, तो 1,000 30% लाभ लेने के लिए 100 में 30 जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 30, लाभ कह रहा तो इसमें जोड़ लेंगे, हाँ 100 में 30 जोड़ लेंगे, बट्टा 100 कर लें। अब इसके बाद जो है ना 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर लेंगे और इसके बाद इसे गुना कर लेंगे, तो 10 गुना 130 बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1,300, ठीक है। अब कह रहा आगे तथा दूसरे को 30% की हानि पर बेचा बेचा जाए, दूसरे को 30% की हानि यानी इस वाले को 1,000 को 30% की हानि, तो 30% की हानि कह रहा, तो 100 में 30 घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 70, 70/100, ठीक है, 100 में 30 घटा लेंगे तो 70% आएगा, 70% का 70/100 कर लेंगे। अब जो है इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा मतलब 10 गुना 70 बराबर होगा मेरा 700, ठीक है, 700 हो गया। अब यह इसको और इसको जोड़ लेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ लेंगे, ठीक है, ये दोनों विक्रय मूल्य है, तो 1,300 + 700 बराबर कितना हो गया, यानी 2,000, 2,000, ठीक ना, 2,000 हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, हाँ ये हो गया विक्रय मूल्य, और इसको इसको भी जोड़ लेंगे तो हो गया भाई मेरा 2,000, ये भी हो जाएगा 2,000, ये भी ये था क्रय मूल्य, हाँ मतलब वस्तु को 2,000 रुपये में खरीदे और इसको लाभ लेने के बाद एक में 30% का लाभ लिए और जो एक में 30% का हानि लिए, और उसके बाद जब वस्तु को बेचे तो 2,000 आया, ठीक ना, मतलब पहले भी 2,000 क्रय, पहले जो क्रय मूल्य था 2,000 था, अब बेचे तो विक्रय मूल्य भी मेरा 2,000 होता है, यानी इसमें जो है मेरा ना मतलब इसका अंतर निकाल लेंगे, 2,000 - 2,000 बराबर 0, यानी इसमें मेरा कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, यानी नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यही इसका आंसर रहेगा होगा। ये रहा टाइप फाइव का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है, दो वस्तु है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 990 रुपया है, जो एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि लेकर बेचा गया हो, तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रिक है a+b+a(b)/100, ठीक है, जहाँ जहाँ जो है लाभ बराबर, जब लाभ होगा तो प्लस का साइन देंगे और जब हानि होगी तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब इसी पे जो है ना क्वेश्चन को सेट कर देंगे, ठीक है, तो ए प्लस यानी पहले पहले कितना है, जो एक पर 10% का लाभ है, लाभ रहेगा तो प्लस का साइन देंगे आगे, ठीक है, तो +10 यानी आगे प्लस का साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो +10 और यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर बी है, तो बी कितना दिया है, तो बी दिया हुआ है -10% की हानि, यानी इसमें -10% की हानि हो रहा, तो 10% की हानि होगा तो माइनस का साइन देंगे, क्योंकि लाभ हानि हो रहा तो माइनस का साइन दिया यहाँ पे, तो -10 कर लेंगे और फिर प्लस और आगे कर लेंगे यही चीज़ आगे यहाँ पे, तो 10 - -10 - 10/100, ठीक है। अब जो है ना इसको काट देंगे तो हो जाएगा 10 × 100, ठीक है, और 10 × 1 = 10, यानी एक बार में इधर कट गया, ठीक ना, और जो है ना इधर इसको और इसको घटा लेंगे, तो 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, और इधर कितना बचा, इधर 1 बचा, यहाँ पे 1 बच गया, यानी -1 बचे ऊपर, 10 × 10 = 10 काटा था तो -1 हुआ, यानी जब जब आंसर माइनस में आए, जब आंसर जो है ना माइनस में आए, तो
यानी समझ लो आप कि घाटा हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो यहाँ जो है ना 1% का जो है ना 1% का हानि हो रही है, 1% का हानि हो रही है, 1% का हानि हो रही है। पर पूरे सौदे में क्या प्राप्त हुआ, यानी पूरे सौदे में 1% की हानि हो रही है, यही इसका आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, दो वस्तु प्रत्येक का विक्रय मूल्य 50,000 रुपया दिए गए हो, जिसमें एक को 10% का लाभ एवं एक को 10% की हानि लेकर बेचा गया हो, तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त हुआ। हाँ, ये भी क्वेश्चन जस्ट 27 नंबर वाले क्वेश्चन पर आधारित था। कह रहा कि पहले पे 10% का लाभ, तो वही करेंगे पहले। ए प्लस बी ए इंटू बी बाय 100 है, जहाँ जो है जब लाभ हो तो प्लस का साइन देंगे, और जब हानि हो तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब इसी वजह क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। तो पहले बोला जिसमें एक को 10% का लाभ, जब लाभ हो तो प्लस का साइन देंगे, यानी 10% का लाभ हो रहा है। अगर प्लस का साइन नहीं देंगे तो फिर भी चलेगा, है कि ये आगे है। ठीक ना, और ये कह रहा कि एक को 10% की हानि, तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे हानि होगा, तो माइनस का साइन देंगे यहाँ पे -10। अगर कि एक को 10% की हानि लेकर बेचा गया हो, तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त हुआ होगा। तो 10 प्लस -10, अभी फिर प्लस है, फिर करेंगे यही चीज़ सेम ऊपर कर देंगे, 10 गुणा -10 10 गुणा -10 बट्टा 100। ठीक है, अब इसको जो है ना काट देंगे, तो हो जाएगा 10 दहिया 100। ठीक है, और 10 एकम 10, ठीक है, 10 एकम 10, यानी ऊपर में एक होगा। हाँ, तो अब इसको इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 0। ठीक है, और बचेगा ये, यानी कि -1 बचेगा। ठीक है, -1 यानी -1% बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है साइन, यानी कि जो है ना सौदा में घटा आ रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1% का जो है ना 1% का मुझे हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, दो वस्तु को जिसमें एक को 30% का लाभ लेकर तथा दूसरे को 30% की हानि लेकर 27,000 रुपये प्रति वस्तु बेचा जाता है, बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। हाँ, तो पहले कर लेंगे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, जहाँ 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 जब लाभ हो, जहाँ जब लाभ हो तो प्लस का साइन देंगे, और जब हानि हो तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन को सेट कर देंगे। तो कह रहा है कि जिसमें एक को 30% का लाभ, 30% का लाभ लाभ होगा, तो प्लस का साइन देंगे आगे, तो आगे प्लस का साइन नहीं भी दें तो चलेगा, क्योंकि प्लस आगे आगे प्लस दे या ना दे तो बात बराबर है। तो यहाँ पे कर लेंगे 30। ठीक है, 30% का लाभ यानी +30, फिर कर लेंगे प्लस, और बी बी क्या है, कितना है, बी दिया है 30% की हानि है, जब हानि होगी तो माइनस का साइन देंगे, तो यहाँ पे लेंगे -30, 30% की हानि लेकर प्लस। अब ये चीज़ यहाँ लिख लेंगे 30 गुणा -30 कर लेंगे, -30 बट्टा 100। ठीक है, अब इसको इसको काट लेंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म, और 1 0 से 1 0 खत्म, और 30 में से 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और ऊपर बचेगा तो ऊपर बच जाएगा 3 और 3, यानी कि 3 गुना 3, यानी हो जाएगा 3 9 -9 -9 -9%। ठीक है, मतलब -9 आ रहा है, ठीक यहाँ पे होगा, मतलब 9% की हानि, 9% की जो है ना यहाँ पे हानि होगा। बोला कि बताया कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, यानी कि 9% की हानि होगी इस पूरे में, 9% इस सौदे में पूरे 9% की हानि होगी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का प्रत्येक का क्रय मूल 2,000 रुपया है, जिसमें से एक वस्तु को 10% की हानि तथा दूसरे दूसरे को 20% का लाभ लेकर बेचा जाता है, तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे क्रय मूल है, पिछले वाले क्वेश्चन में था विक्रय मूल। ठीक ना, दो वस्तु का प्रत्येक क्रय मूल 2,000 रुपया है, प्रत्येक क्रय मूल, यानी कि यहाँ पे जो क्रय मूल है
ठीक है, इसमें दो दो भाग कर लेंगे। और कह रहा कि 2,000 रुपया है पर्दे का किराया, मूल 2,000 रुपया है, तो इसका 2,000 रुपया है और इसका भी 2,000 रुपया है। ठीक है, जिसमें से एक वस्तु को 10% का हानि लेकर, इसका 10% का हानि ले लेंगे, 2,000 का इधर 10% का हानि लेंगे, तो यानी कि 100, कोई वस्तु अपने आप का 100% होता है, इसमें 10% का हानि लेंगे तो हो जाएगा 90%, 90% का हो जाएगा 9/100, 9/100 कर लेंगे। इसको जो है ना 200 का 2 से 2 0 से 2 0 खत्म कर लेंगे इधर, और जो इसको गुना कर लेंगे तो 20 गुना 90 बराबर 9 2 18, यानी कि 1800। ठीक है, और जो है ना इधर इधर कह रहा कि एक वस्तु को 10% की हानि तथा दूसरे दूसरे वस्तु को 20% का लाभ, यानी दूसरे वस्तु जो है इसका 20% लाभ कह रहा, तो इस 2,000 को 20% लाभ कह रहा, तो इस यहाँ पे 100 में प्लस 20 कर लेंगे, 100 में प्लस 20, क्योंकि 100% का वैल्यू है, ऐसे में 20% का लाभ कह रहा, तो 120% का 120/100 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 2 0 से 2 0 इधर ख़त्म कर लेंगे, और इसके बाद जो है इसको और इसको गुणा कर लेंगे, तो 20 गुणा 120 बराबर 12 2 24, यानी 24 पे 00, यानी इसको दूसरा 2,400 कर लेंगे, यानी 2,400 कर लेंगे, 20 गुणा 120 बराबर 2,400, यानी 2,400। अब कह रहा तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, तो इसका जो क्रयमूल जो था हो गया 4,000, दोनों का जोड़ लेंगे तो 4,000 क्रयमूल हो गया, और पहले में था 10% की हानि और दूसरे में था 20% का लाभ। ठीक है, लेकिन इतना बेचा गया तो हो गया 1,800 और प्लस 2,400, अब जो है ना इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 18 2 6, ये इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद होगा यहाँ पे मेरा मतलब 4,200, 4,200, 4,200। अब जो है कि यहाँ पे कह रहा, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक ना, कह रहा कि लाभ लेकर बेचा गया तो ये हो गया विक्रय मूल्य, अब ये था क्रय मूल्य, ठीक ना, ये था क्रय मूल्य। अब इसको और इसको अंतर निकाल लेंगे, क्रय मूल्य इतना था 4,000 था, अब विक्रय मूल्य इतना हो गया, यानी कि 4,400 माइनस 4,000 कर लेंगे, 4,000 रुपये में खरीदा और 4,200 रुपये में बेच दिया, तो यानी मेरा जो है ना 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक ना, 200 रुपये का लाभ होगा। अब इसी का जो है ना प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, इसी का प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बाय 100, 100 लाभ गुणा 100 बाय विक्रय मूल्य, नहीं क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है, बोला 2,000 रुपया, ठीक ना, यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, तो आगे कर देंगे इसको, लाभ लाभ कितना हो रहा है 200 रुपया का लाभ हो रहा है, 42 माइनस 400 करेंगे तो 200 रुपया लाभ होगा, 200 रुपया लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे मेरा है 4,000, क्रय मूल्य है 4,000। ठीक है, 4,000 कर लिए, अब इसको जो है ना काट देंगे, यानी 2 0 से 2 0 खत्म कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 40 5 200, यानी 4 5 12 में ये कट जाएगी। ठीक ना, यानी 5% जो होगा ना, 5% का इस पूरे सौदे में मतलब लाभ होगा। आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, दो वस्तु जिसका क्रय मूल्य प्रत्येक का 3,000 रुपया है, एक को 20% की हानि तथा दूसरे को 30% का लाभ लेकर बेचा गया हो, तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ऊपर पहले कर लें, ऊपर लिख लेंगे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय प्रत्येक का 3,000, दो वस्तु है, यानी इधर एक इधर, इधर दो वस्तु है, एक इधर क्रय प्रत्येक को 3,000, यानी इसका भी 3,000 और इसका भी 3,000 है, ठीक ना, एक को 20% का लाभ, यानी इसका 20%, एक को 20% की हानि, यानी एक को 20% की हानि, यानी इस 3,000 का 20% की हानि कर रहा, तो 3,000 गुणा ये जो है 100% के वैल्यू के बराबर है 3,000, इसमें कह रहा है 20% का लाभ, 20% की हानि, तो 20% की हानि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, 80%
अस्सी का 80% को लिख लेंगे, 80% को लिख लेंगे 80/100, 80/100 लिख लेंगे, और इसको जो है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे, और उसके बाद इसको इसको गुणा कर लेंगे, यानी 30 गुना 80 बराबर हो जाएगा, मतलब 38 40 यानी 224, ठीक ना। अब कह रहा आगे, तथा दूसरे को 30% का लाभ, यानी इस पे जो है ना 30% का लाभ कह रहा, तो इसका 30% लाभ निकालने के लिए 3000 गुणा 3000 जो है 100% वैल्यू के बराबर है, इसमें कह रहा 30% का लाभ, यानी 130 कर लेंगे ऊपर, 130% का 130/100 कर लेंगे, 30% लाभ कर रहा है, 130%, 130% को 130/100 कर लेंगे, ठीक ना। अब इसको जो है ना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे, और इधर 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 गुणा कर लेंगे इसको, तो 30 गुना 130 बराबर हो जाएगा 33 39 यानी 3900, ठीक है 3900। अब कह रहा कि तो बताएं कि इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, पहले इसको इसको जोड़ लेंगे हम, तो 3 3 6000, 3 3 6000, ठीक है 6000 रुपये क्या है, ये क्राय मोल हो गया, ठीक है 6000 रुपये का क्राय मोल हो गया। अब इधर हो गया, इसको इसको जोड़ लेंगे, तो 2400 प्लस 3900, ठीक है 2400 प्लस 3900। अब इसको जो है ना जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे होगा 0 और 0 और 9 4 13 की 3, 3 5 5 1 6 यानी 6300, ठीक है 6300, 6300 क्या हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक ना 6300 जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा आगे, तो इस बताएं कि पूरे सौदे में क्या प्राप्त हो गया, तो यानी पहले था क्रय मूल्य था 6000 रुपया, इसको बेचे तो हो गया 6300, यानी 6300 रुपये में इसको बेचे, यानी 6300 माइनस 6000 का अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 रुपये का, मतलब 300 रुपये का जो है ना लाभ होगा, ठीक है। अब इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे, अब आगे निकालेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 300 रुपया गुना 100/ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 6000 रुपया, ठीक है 6000 रुपया। अब इसको जो है ना काट लेंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 20 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब इधर इस 20 से इसको काट लेंगे, 20 25 100 यानी 5% का जो है ना इस सौदे में लाभ हो रहा, यही इसका आंसर होगा। इस वीडियो कैसा लगा, अपना राय सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बाय।